आज मैं आप लोगों को न्यायपालिका से संबंधित कुछ बातों की जानकारी दूंगा। इसमें देखा गया है कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होते और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है और देश स्तर पर जो सबसे बड़ा न्यायपालिका है वह है सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे हर राज्य में अपना अपना एक उच्च न्यायालय होता है। तो आज हम लोग देखेंगे अपने राज्य बिहार में जो उच्च न्यायालय है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और यह हमारे राज्य की राजधानी पटना में स्थित राज्य न्यायपालिका हर राज्य में होता है। तो बिहार में, बिहार की जो राजधानी है पटना, वहां जो उच्च न्यायालय है उसको हम लोग खासकर जानेंगे, पटना उच्च न्यायालय। यह पटना में है और इसकी स्थापना जो हुए थे स्थापना 1 मार्च 1916 को हुई थी। 1 मार्च 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब इस न्यायालय में न्यायाधीश जो हैं उनकी संख्या कितनी होती है, न्यायाधीशों की संख्या, खासकर हम पटना उच्च न्यायालय के गठन पर जा रहे हैं, न्यायाधीशों की संख्या अर्थात जजों की संख्या, तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीश, कुल 43 न्यायाधीश होते हैं। पूछा जा सकता है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो हम इसका जवाब देंगे कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 43 है, 43। यदि अलग अलग पूछा जाए कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है तो 42, मुख्य न्यायाधीशों की कितनी है तो 1, कुल न्यायाधीश कितने हैं 43, तो कुल न्यायाधीश 43, 43। अब हम लोग देखें कि न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है
इनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करते हैं जो कानून का ज्ञाता और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनसे भी सलाह मशविरा राष्ट्रपति लेते हैं, तब उनकी नियुक्ति करते हैं। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब है न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यताएं पहली योग्यता तो वही भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता कि कम से कम 10 वर्षों तक न्यायालय में, अन्य से मतलब हो गया कि उच्च न्यायालय से नीचे जिला न्यायालय है वहां कम से कम 10 वर्षों तक अन्य न्यायालय न्यायाधीश के पद पर रहा हो। तीसरी शर्त, तीसरी बात है कि कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हूं। कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हूं। चौथी और अंतिम, राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो, किसी व्यक्ति में ये सारी योग्यताएं मौजूद रहेंगे उनको राष्ट्रपति न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कर सकते। सिर्फ पटना उच्च न्यायालय के नहीं, हर किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए ये सकते हैं। तो बच्चों देखे
स्थापना, न्यायाधीशों की संख्या, योग्यताएं, अब उसके देखेंगे कि अपने पद पर कितने वर्षों तक रहते हैं। इसको कहा जाता है कार्यकाल। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक, 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते। बासठ वर्ष की उम्र उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वे 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। इससे पूर्व मृत्यु हो जाने या त्याग पत्र देने या उनको अन्य तरीके से हटाए जाने का भी प्रावधान है, लेकिन वह कम मौका आता है। तो 62 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। अब है इनके कि वेतन कितना मिलता है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन तो इसमें देखे थे पूर्व में कि एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 42 जो होते हैं वे होते हैं न्यायाधीश 42, तो मुख्य न्यायाधीश को 90,000 पर मंथ और अन्य न्यायाधीश को 80,000 रुपया पर मंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी सुविधाएं हैं, महंगाई भत्ता, आवास, आने जाने का खर्च, फिर अन्य खर्च आदि आदि दिया जाता है, लेकिन इतना देना है। तो यह इनका वेतन हो गया, कार्यकाल हो गया, योग्यताएं हो गई, इनका इनकी स्थापना, तो ये सारी बातें जो आती है यह आती है इनके गठन के बारे में कि पटना उच्च न्यायालय का अगर लिखा जाए कि उनका गठन का वर्णन करें तो ये सारी बातों का विवरण देते हुए हम उसमें वर्णन कर देंगे। आ जाएगा कि पटना उच्च न्यायालय का गठन, स्थापना से लेकर वेतनमान तक यह गठन में आता है, तब आता है इसका अधिकार क्या है, पटना उच्च न्यायालय का अधिकार क्या होता है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्र
क्षेत्राधिकार, इसको बोलते हैं क्षेत्राधिकार। पटना उच्च न्यायालय को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? तो पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जानते हैं कि यह मामला जो होता है, मुकदमा जो होता है, तीन तरह के होते हैं, एक दीवानी, फौजदारी और राजस्व। आपराधिक मामला होता है मारपीट से संबंधित, खून खराबा से संबंधित जो मुकदमा होता है, केस होता है, उसे आपराधिक मामला कहा जाता है। जमीन जायदाद से संबंधित, ठगी से संबंधित जो मामला होता है, वह मामला दीवानी के अंतर्गत। फिर कर या टैक्स से संबंधित कोई मामला सरकार के खिलाफ आता है तो वह राजस्व संबंधी मामला कहलाता है। तो इन तीनों मामलों, तीनों प्रकार के जो हैं मुकदमा, इनमें यह उच्च न्यायालय को तो प्राप्त है ही, और यह जो है यहां से ही ऊपर में देश स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, इसके नीचे फिर जिला न्यायालय, फिर इसके नीचे सबसे नीचे स्तर पर ग्राम कचहरी आता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय से लेकर नीचे ग्राम कचहरी तक जो ये हैं, ये सभी सर्वोच्च न्यायालय के सहायतार्थ कार्य करते हैं। तो पहला मामला है इसका जो है पटना उच्च न्यायालय का, उसका है एक अधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कि कुछ मामला, कुछ मुकदमा ऐसा बनता है, ऐसा होता है कि डायरेक्ट उच्च न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। जैसे अधिकार से संबंधित मामला हो, संविधान हनन का मामला हो, या चुनाव से संबंधित मामला हो, वैसे मामलों का वह निष्पादन के लिए केस जो दायर किया जाएगा यहीं से शुरू होगा, अर्थात उच्च न्यायालय से। तो उच्च न्यायालय को ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दूसरा मामला, दूसरा अधिकार इसका आता है अपील संबंधी, अपील संबंधी अधिकार भी कहते हैं, या अपील है क्षेत्राधिकार। यदि निचली अदालत से कोई व्यक्ति फैसला से संतुष्ट न हो तो वह उच्च न्यायालय में अपना अपील कर सकता है, और उस अपील को सुनने का अधिकार
उच्च न्यायालय को प्राप्त है, तो वही अधिकार कहलाता है, उसी अधिकार को कहा जाता है अपील या क्षेत्राधिकार या अपील संबंधी क्षेत्राधिकार। निचली अदालत से व्यक्ति, निचली अदालत के फैसले से व्यक्ति जब संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो वे उच्च न्यायालय में केस दायर करते हैं, जिसको अपील कहते हैं। उस अपील पर सुनवाई, उस पर फैसला लेने का अधिकार हमारे पटना उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है, वैसे हर न्यायालय उच्च न्यायालय को है, लेकिन हम लोग खासकर यहाँ देख रहे हैं बिहार के जो उच्च न्यायालय है पटना उसके बारे में। तीसरा अधिकार आता है प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ कुछ कर्मचारियों को नियुक्त भी कर सकते हैं, इसी अधिकार को कहा जाता है प्रशासकीय अधिकार। अपने अधीन अर्थात उच्च न्यायालय के अधीन सफाई कर्मचारी हो या अन्य अन्य व्यक्ति हो, उनका उनकी नियुक्ति जो करेंगे उनका अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है, इसी अधिकार को प्रशासकीय अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। चौथा आता है अधीक्षण का अधिकार। न्यायालय अपने अधीन जो न्यायालय है, उनके अधीन जो न्यायालय है, उन न्यायालयों का ये सर्वेक्षण कर सकते हैं, अधीक्षण कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी का मामला तो नहीं हो रहा, और ये फिर रिपोर्ट तैयार कर, और अपने अधीन न्यायालय के न्यायाधीशों को कुछ दिशा निर्देश दे सकते। तो यह हो गया अधीक्षण का अधिकार। तो फिर यह हमारा पटना उच्च न्यायालय का मोटे तौर पर जो भी इससे संबंधित प्रेस आता है इसी से संबंधित है। तो बच्चों, इसी के साथ हम पटना उच्च न्यायालय का जो गठन है उसका अधिकार है समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों।